15 फीट तक बर्फ पड़ी हुई है। और भाई साहब कहाँ लेटे हुए हो? एक कैंप, ये रहा दूसरा कैंप, वो रहा तीसरा कैंप, पॉपकॉर्न बन चुके हैं। आज के बावर्ची मिस्टर मोहित चौधरी। ओए 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 ओए, और भाई दो मिनट बाद एक हेलीकॉप्टर का आ रहा है, दूसरे का जा रहा है। ये रहे हमारे सारे कैंप्स, बेस कैंप में रुके थे, अपने कैंपिंग वगैरह करी थी यहाँ पे। फाइनली सुबह 8 बजे इतनी भीड़ है। ये भाई हमारे कैंपिंग का पूरा सामान सोनप्रिया की पार्किंग में इस टाइम पर, और जो कि इस टाइम पे पूरी फुल है। बड़ी मुश्किल से हमें पार्किंग मिली यहाँ, रिक्वेस्ट वगैरह करके दो गाड़ियों में वेट करा, और जैसी वो निकली वैसे ही हम गाड़ियाँ अंदर एंटर कर दी। आज की कैंपिंग हम ऊपर करने वाले हैं, पूरी सारी चीज़ का ब्लॉग में बने रहना हमारे साथ। तो यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, या तो ऑनलाइन करा लीजिए तो यहाँ से होगा। हमने यहाँ से अपने सारे, एक मेंबर का आधार कार्ड लगेगा और बाकी सबके नाम डालने पड़ेंगे, तो जो हमने करा दिया है। अब हम अपनी यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक फ़ोटो क्लिक करने के लिए बोल रहे हैं, फोटो क्लिक करके फिर आगे निकल रहे हैं। निकल रहे हैं भाई अब गौरीकुंड के लिए सोनप्रयाग से। यहाँ से कमर्शियल गाड़ियाँ चलती है जो यहाँ की है। गौरीकुंड पहुँच गए भाई, और यहाँ से फुट ट्रैक स्टार्ट होगी हमारी। यहाँ से हम अपनी यात्रा स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ तक आपको टैक्सी वाले छोड़ कर जाएंगे सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक। हमारी ट्रैक यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। मेरा भाई सुमित भाई जिसके लगेज कुछ ज़्यादा ही है, भाई कैसे पहुँचोगे ऊपर तक? भाई बारिश हो रही है बहुत तेज यहाँ पर, और अभी तक हमने 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक किया है। गर्मी तो काफ़ी लग रही है, पसीना निकल चुका है। हाँ, और यहाँ पे जितने यात्री नहीं है ना, उससे ज़्यादा तो यहाँ पे घोड़े खच्चर हैं। बारिश तेज हो गई है जिस तरीके से। यही तो खूबसूरती है केदारनाथ की कुदरत, कुदरत के नज़ारे। ये सब जब आपकी थकावट होती है तो ऐसे नज़ारे देख के पूरी थकावट उतर जाती है। अभी तक 6 किलोमीटर की यात्रा हम तय कर चुके हैं, और 12 किलोमीटर के भी, 12 से 13 किलोमीटर की अभी यात्रा और पड़ी है। मौसम भी बहुत सुहाना हो रहा है, और धीरे धीरे चलते जाएंगे भगवान के महादेव का नाम लेते हुए। यहाँ से रामबाड़ा कुछ 5 किलोमीटर रह गया। और बंगाली दादा, हाँ कैसा लग रहा है? थोड़ी थकान है, बट वही है, जब थकान होती है जब ऐसे नेचर के अच्छे अच्छे पॉइंट्स आते हैं पूरी थकावट उतर जाती है। कह सकते हैं इस हिसाब से थकान होनी चाहिए, ऐसा है नहीं। हाँ, क्योंकि एक्चुअल में ना हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सामान है बैग में, टेंट्स हैं, बैग है, योगा मैट वगैरह, और खाने के बर्तन वगैरह, खाना, तो इस वजह से हमारे पास थोड़ा सामान भी ज़्यादा है। अब तो रामबाड़ा जाके देखते हैं। अरे कांप रहा है, अरे पूरा हिल रहा है यार ये, अरे इसमें शोकर लगे हैं क्या? इससे ज्यादा हिलता है ये पूरा ब्रिज भाई, हिल रहा है वो देखो। और केदारनाथ का व्यू क्या हुआ?
हाँ हिल रहा है आई नो। यहाँ तक हमने आधे बाबा की आधी चढ़ाई कर ली है और यहाँ से केदारनाथ हमारा 8.5 किलोमीटर रह जाता है। और यहाँ का टेम्परेचर तो अप्रोक्सीमेटली 6 के आसपास है, बट ट्रैक कर रहे हैं हम तो सबसे ज़्यादा पसीना आ रखा है भाई। इतना क्राउड है यहाँ पे, मतलब इतने यात्री नहीं है जितने खतरे हैं। तो काफ़ी हमने 3 से 4 शॉर्टकट्स का यूज़ किया, बहुत टफ थे, सारा ऐसा ट्रैक था। और ये रही बर्फ़, ये तो हम यहाँ थोड़े शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं और जैसे शाम हुई वैसे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया, तो लगता है जैकेट वगैरह निकालनी पड़ेगी हमें। एकदम से भाई साहब पूरा मौसम ख़राब हो गया है और रास्ता ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 1 मिनट में मौसम ख़राब हो गया पूरा पूरा, ऊपर से लेकर नीचे तक फॉग फॉग हो गया, बारिश हो रही है भाई। हालत ख़राब हो चुकी है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, और ठंड तो मत पूछो, कंटिन्यू बारिश हो रही है। जब से ट्रैक स्टार्ट किया उसमें आधे रास्ते से बारिश स्टार्ट हो गई थी, और वेदर देखो बर्फ़ वाली हवा चल रही है एकदम। क्राउड देखो यार, एक बार हद से ज़्यादा क्राउड है, इन्होंने तो बहुत ज़्यादा भाई हद मचा रखी है। खच्चर वाले तो पैदल रास्तों वाले, ये खच्चर वाले तो भाई पैदल वाले को बिल्कुल रास्ता नहीं देते हैं। अब देखो कहाँ से आदमी निकलेगा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हम पहुंच गए भाई केदारनाथ, रात को 11-12 बज गए थे, तो कैंप कुंप लगाया है, वीडियो नहीं बना भाई, तो वही दिखाता हूँ, बाहर का व्यू दिखाता हूँ। निकलते ही ओ हो 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 उधर का बना, उधर उधर लेफ्ट। और भाई साहब कहाँ लेटे हुए हैं, ये देखो जी भाई केदारनाथ मंदिर ही है रहा। हम 1.5 किलोमीटर पहले हैं मंदिर से, बेस कैंप के पास। धूप पड़ी ना पर्वत पे, उस पे ज़ूम मार। हाँ दादा वहाँ देखो, ये देखो भाई धूप निकल गई है, हालत हो गई है खराब। ये रही इसके नीचे इधर खाई है। हाँ भाई बादम भाई, हाँ भाई बादम ठीक है, बढ़िया पहुंच गए भाई टाइम से। तूने तो रात में मैगी बना के खाई है। नहीं नहीं यार, फिर क्या बनाया, कुछ भी नहीं, सो गया था फिर तू। मैं तो हाथ गर्म किया उस पे यार। अच्छा कैंप ये रहा दूसरा कैंप, वो रहा तीसरा कैंप। ये भाई रात को ना बंदे ज्यादा ठहर गए थे सारे के, हम ही सारे ठहर गए थे। ओ देखो मारा, मतलब ना कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहा, इतनी उस पर लाइट पड़ रही, सच्ची नहीं आ रहा यार देख। ओ दे लाइट कटाना थी, ब्राइटनेस कटा थोड़ी, ब्राइटनेस पूरी कटी होगा वो ले, नहीं आ पा रहा भाई। ये देखो भाई पूरा मतलब अपना ग्लेशियर आ देख। एकदम भाई क्लोज से ना हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, सुबह 5 बजे ने 5 बजे से इन्होंने हमारी नींद खराब कर दी थी। ये देखो ओए हो, ये सीधा एकदम मंदिर के पास में उतारते हैं। कुकिंग का टाइम हो गया, हम बना रहे हैं राइस मैगी और नमकीन टाइप में, पॉपकॉर्न बन चुके हैं, सब्जियां कट रही हैं, बनाने वाले हैं राइस वगैरह मैगी और पनीर पुनीर डाल के एकदम बढ़िया से, और धूप का वेट कर रहे हैं, धूप अभी तक अच्छे से आई नहीं है।
आज के बावर्ची मिस्टर मोहित चौधरी, देख लो पनीर, आलू, उसके बाद चावल है, मैगी है, सलाद रखा हुआ है। ये हमारे मिस्टर बातम, और ये पीछे जो रोड दिख रही है पुरानी रोड है, जो 2013 में जो बाढ़ आई थी उसमें बर्बाद हो चुका, तबाह हो चुका था। और पीछे आप नज़ारा देख सकते हो कितना बढ़िया नज़ारा है। ये हमारा कैंप लगा हुआ है, फोन आना है सारे आगे रुस गई हो, देखो है तो यार किसी के पास कोई बस 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 ओए होए 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 और भाई दो मिनट बाद एक हेलीकॉप्टर का आ रहा है, दूसरे का जा रहा है। ये रहे हमारे सारे कैंप्स, ये हमारे कैंप, धूप थोड़ी सी निकली थी तो सब कुछ सुखा रहे हैं, कल बारिश में सब कुछ गीला हो गया था। और लाइन तो कुछ यहाँ तक इतनी लंबी लग चुकी है, और बर्फ़ वाले पहाड़ पूरे ढक चुके हैं। भाई कैंपिंग में ये सब कुछ करना पड़ता है, बर्फ़ जैसा पानी है, बर्फ़ जैसे नहीं, बर्फ़ से पिघल के पानी आ रहा है। और सारे जो अभी हमने कुकिंग करी थी अब उसको धोया जा रहा है, हाथ में एकदम सुन्न हो गए हैं। क्यों मंगा लिया था? मैं मत पूछो भाई, हाथ के लग रहा है, हाथ लग फील नहीं हो रहा, हाथ है साथ में पता ही नहीं लग रहा पूरा भाई, बादल से ग्लेशियर ढक गया हमारा। सुबह तो एकदम पूरे क्लियर पहाड़ दिख रहे थे, बट अब एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई और एकदम बादल वगैरह आ गए हैं सामने। इसी को बोलते हैं जन्नत। बेस कैंप में रुके थे, अपने कैंपिंग वगैरह करी थी यहाँ पे, तो अब 12 बज गए हैं, बारिश हो रही हल्की हल्की और सुबह तो एकदम क्लियर था। और अब हम जा रहे हैं बाबा के दरबार में, और अगर दर्शन हो गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर इनकेस दर्शन होने में लेट हो गए तो फिर हम बाबा के दरबार के पास ही कैंप लगाएंगे और आज की रात हम वहीं स्टे करेंगे। फिर काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, ये सारे कैंप वगैरह भी इकट्ठे कर रहे हैं, बारिश हो रही है भाई, मौसम तो बहुत ज़्यादा सुहाना है। वो देखो बादल कैसे चल रहे हैं। फाइनली एकदम पास से केदारनाथ जी के दर्शन कर सकते हो आप, बहुत ज़्यादा क्राउड है और 3-4 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है। ये लो हर हर महादेव। देखो भाई साहब कितनी भीड़ है बाबा के दरबार पे, बाबा के दरबार पे पूरा भरा पड़ा है, पैर रखने की बिल्कुल जगह नहीं है। और इस साइड है भैरव बाबा का मंदिर, थोड़ा मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर का ट्रैक है, एंड वासुकी ताल का यहाँ से ट्रैक है, और इस पहाड़ी के उस साइड है, बैक साइड उस साइड में है। अभी हम कैंपिंग की जगह ढूंढ रहे हैं आसपास में, कोई अगर कोई कैंपिंग की जगह अगर मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं मिलती तो हमारे पास एक ऑप्शन ये है, ये मंदिर के एकदम जस्ट साथ में हम यहाँ पे कैंप लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों ने कैंप लगा रखा है। और यहाँ पे भोले बाबा की नई मूर्ति लगी हुई है, वो है यहाँ पे, सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो ये जो ये वॉल ये दिख रही है आपको, दिखाता हूँ थोड़ा ऊपर जाके, ये वॉल अब 2013 के बाढ़ के बाद इसलिए बनाई गई थी कि इनकेस ऐसा कुछ दोबारा होता है तो इससे थोड़ा बहुत बचाव हो सके। ये वाला जो पुराना रास्ता है ना, ये वाला है रास्ता, और यहाँ से पहले पुराने ये वाला पुराना रास्ता था, यहाँ से आते थे सब पहले, अब ये वाला नया रास्ता बन चुका है और यहाँ से सीधा भोले बाबा के दर्शन होते हैं। तो अब हम कैंप लगाने सोच रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे हमने कोई लोकेशन दूर से देखी है, अगर हमें वहाँ पे लोकेशन सही मिली तो अब हम वहाँ पे अपना कैंप इंस्टॉल करेंगे और सुबह 3 बजे मॉर्निंग में लाइन में लग जाएंगे, और 5-5:30 बजे के आसपास मंदिर में खुल जाता है, 5:30 बजे के आसपास मंदिर खुल जाता है, 6 बजे तक हम भोले बाबा के दर्शन कर लेंगे।
हमने फाइनली लोकेशन ढूंढ लिया कैंपिंग के लिए। लोकेशन हमारी रहने वाली है ये, इस साइड से हमें पानी भी इजीली मिल जाएगा, वहाँ पानी आ रहा है। और यहाँ से आधा किलोमीटर भी नहीं होगा बाबा जी। और ये रहा हम कैंपिंग करने वाले हैं, यहाँ पे कैंप इंस्टॉल करते हैं। पहले कैंप इंस्टॉल करने के बाद फिर हम भैरव बाबा के मंदिर जाएंगे और 7:30 बजे जो आरती होती है वहाँ पे जाएंगे और थोड़ा यहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे। फिर कैंप यहाँ पर लगे रहेंगे हमारे, फिर उसके बाद हम रात को यहाँ पे स्टे करेंगे। सुबह 3 बजे मंदिर की लाइन में लगेंगे, फिर जितने बजे जैसे ही मंदिर खुलेगा वैसे ही हम बुक। अगर कोई मेरा भाई लोग अगर कोई नीचे से पैसे लाना भूल जाता है, अपना एटीएम कार्ड लेके आता है, तो वैसे तो कोशिश करना अपना कैश अपने साथ रखना, बट इनकेस अपना कैश नहीं लाते तो यहाँ पे एक एटीएम भी है जो HDFC का है। ये केदारनाथ मंदिर से कुछ 500 मीटर की दूरी पहले है, यहाँ पे आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं। 4 घंटे के बाद थोड़ी सी लाइन बढ़ी हुआ है भाई, 4 घंटे से लाइन में लगे हुए थे, अब जाके बाबा के दरबार के पास पहुंचे हैं। बहुत ही ज्यादा लाइन थी। कैसा लग रहा भाई माला टेक के? भाई दर्शन कर लिए भाई ने, जन्नत वाली फीलिंग है। हाँ जी सर, दर्शन करके कितना लग रहे हैं? जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, मनोकामना पूरी कर, हर हर महादेव। ये भाई हमारा प्रवचन हाल है, यहाँ पे लंगर की सेवा चलती है। ये प्रवचन जहाँ यहाँ पे लंगर की सेवा चलती रहती है हर टाइम, और आप उतना ही लंगर लीजिए जितना आपको खाना हो। और यहाँ पे इतनी हाइट में खाना लेकर आना बहुत मुश्किल होता है, तो यहाँ पे खाना बिल्कुल वेस्ट नहीं करना आपको। भाई सबको, तो रात को हम एक रात और केदारनाथ में रुके थे, रात को बढ़िया दर्शन हो गए थे, आरती वगैरह देखी हमने। आज हम वापसी करने वाले हैं, पहले 20 किलोमीटर का ट्रैक उतरेंगे और जो यार उसके बाद जैसे ही हम नीचे सोनबर्ग पहुंचेंगे सीधा हम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और एक बार दोबारा से सुबह का मॉर्निंग व्यू इंजॉय कीजिए आप सब। ओस पड़ी हुई है काफी ज्यादा, ये हमारे टेंट वगैरह, हल्की हल्की बारिश हो रही है। सुबह सुबह दर्शन, वो रे बाबा जी,
वो भैरव बाबा का मंदिर है वहाँ। मॉर्निंग के दर्शन, सुबह 8 बजे इतनी भीड़ है कोई हिसाब नहीं जिसका। ये है केदारनाथ की खूबसूरती। पंद्रह फीट तक बर्फ पड़ी हुई है, इसमें रास्ता बनाया गया है। लोग देखो बहुत ज्यादा भीड़ है, खच्चरों से थोड़ा बच कर रहना, खच्चर काफी ज्यादा तंग करते हैं। देखो बर्फ क्या है, तो राम राम सभी भाइयों को। भाई हम अपनी यात्रा को पूरी कंप्लीट कर आए हैं, तो था ऐसा बिल्कुल अभी जाने का कोई फायदा नहीं है। हमें वहाँ पे 6 घंटे सोनप्रयाग में ट्रैफिक मिला था, तो अभी तो हम यही चाहते हैं कि आप बिल्कुल वहाँ ना ही जाए, पहले वहाँ पे इंक्वायरी वगैरह कर लें कि ट्रैफिक वगैरह है या नहीं है, क्योंकि 6 घंटे वहाँ पे ट्रैफिक में फंसे रहे। तो जस्ट अभी हम दिल्ली में एंटर कर रहे हैं। आपको हमारी यात्रा कैसी लगी? अगर आपको हमारी यात्रा बिल्कुल अच्छी लगी और मैंने अगर आपको ज़्यादा डिटेल में अच्छे से बताया हो छोटी छोटी चीज़, क्योंकि हर चीज़ तो वीडियो में नहीं बता सकते क्योंकि इतना टाइम नहीं होता वहाँ पे ट्रैक वगैरह में, तो अगर आपको वीडियो वगैरह अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट।